हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के बॉडी में जो सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो ये सिम्टम्स जो है हमारे पुराने ज़माने के बुजुर्ग द्वारा बताए गए ये सिम्टम्स हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ वही सिम्टम्स शेयर करेंगे, तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो देखिए, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग हर समाज को हम पुरुष प्रधान कह सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सभी माता पिता के मन में पुत्र प्राप्ति की चाह रहती है। अधिकांश लोग यही मानते हैं कि लड़कियां शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं, जबकि बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा होता है। तो इसके लिए लोग विभिन्न प्रकार से लड़का पैदा करने के उपाय जो है ढूंढते हैं, और हर कोई यही मतलब इसमें रहता है कि लड़का होने के मतलब लक्षण कैसे जाने कि होने वाली जो संतान है वो लड़का होगा या लड़की होगी, तो हम कैसे जान सकते हैं बच्चे के जन्म से ही पहले। तो आज की वीडियो में वही बताएंगे आपको, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा आप लोग। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये कुछ साइंस की बातें हैं जो पहले कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि पुरुष जो होता है, पुरुष एक वीर्य में दो तरह के शुकाणु होते हैं। पुरुष में ये दोनों तरह के जो शुकाणु होते हैं, शुकाणु ही निर्धारित करते हैं कि घर में जो लड़का होता है, वो जो शिशु होता है वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, शुकाणु जो होता है, शुकाणु दो टाइप के होते हैं, जिन्हें साइंस भाषा में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, साइंस भाषा में क्रोमोसोम कहते हैं। जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो पुरुष में दोनों तरह के एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि स्त्री के अंडाशय में केवल एक्स एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। जब संभोग के बाद पुरुष के वीर्य का वाई क्रोमोसोम महिला के अंडाशय में जाकर जो है मिलता है, तो लड़का पैदा होता है। और यदि गर्भाशय के समय में यदि स्त्री का के एक्स में क्रोमोसोम पुरुष के एक्स क्रोमोसोम में मिल जाए, तो लड़की का जन्म होता है। तो ये तो रही साइंस की बातें फ्रेंड। अब बात करते हैं जो घरेलू उपाय हैं गर्भ में लड़की होने के या लड़का होने के, उसका बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कहा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला को, तो ये पुराने ज़माने के जो है बुजुर्ग बताया करते थे, वो सिम्टम्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, पर ये एक सिम्टम्स है जो बुजुर्गों द्वारा बनाए गए हैं। तो देखिए, कहा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला का पेट एकदम गोल फुटबॉल की तरह है, तो ऐसे में कहा जाता है ये एक लड़की होने का सिम्टम्स माना जाता है। वहीं अगर गर्भवती महिला का पेट एकदम लंबा और नीचे की ओर झुका हुआ है, तो ये एक लड़का होने का सिम्टम्स माना जाता है। तो ये थे जो सिम्टम्स, घरेलू उपाय जिसे देख के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये सिम्टम्स जो है, इससे सिर्फ आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक इंजॉयमेंट के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं आप। इस वीडियो को बिल्कुल सीरियसली ना लें, हमारी जो चैनल है वो कोई जेंडर सिलेक्शन को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो हेल्पफुल लगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।